आप देख रहे हो टीच बाय उस्मान। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको मार्क 21 की कैटलॉगिंग करना बताऊंगा कि मार्क 21 की कैटलॉगिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो कैटलॉगिंग करना सीखा था वो सीखा था हमने AECR2 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें यार हमारा जो टॉपिक रहेगा कैटलॉगिंग का वो रहेगा मार्क 21, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि एग्जाम में जो हम अगर 227 की बात करते हैं तो 227 में क्या होता है कि एक हमें AECR2 के अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग करनी है होती है और मार्क के अकॉर्डिंग कैटलॉगिंग करनी होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्क 21 यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जैसा कि आज की डेट में हम मार्क 21 को क्यों यूज़ करते हैं, मार्क 21 की हमें नीड क्या है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में जब मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे रख दिया जाता है तो उसको ढूंढने में आसानी हो, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं। तो जो AECR2 की जो हम कैटलॉगिंग करते थे वो हम करते थे कार्ड पे, लेकिन जो मार्क 21 की जो हम कैटलॉगिंग करते हैं वो हम करते हैं कंप्यूटर पे। तो अगर हम बात करें कोहा सॉफ्टवेयर की, तो कोहा सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, लाइब्रेरी में यूज़ होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो मार्क 21 की जो चीज़ें होती है वो पहले से फिक्स होती है, बस हमें उसमें डाटा पुट करना होता है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। तो वो उस चीज़ के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो आज अगर हम आज की डेट में मार्क 21 को यूज़ करें तो ये तो समझ आएगा कि मार्क 21 का क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें पुस्तक को पाठक तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो मार्क 21 से पहले भी बहुत सारे मार्क आए थे, मार्क फर्स्ट आया था, मार्क सेकंड आया था और अब मार्क 21 चल रहा है। तो मार्क फर्स्ट की जो शुरुआत की गई थी वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने की थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने 1966 में की थी। इसके अंतर्गत क्या था कि 16 लाइब्रेरी को चूज किया गया था। उन 16 लाइब्रेरियों में क्या था कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के डाटा को ट्रांसफर करना था। जब ये सफल हुआ तो सफल होने के बाद एक और बना 1968 में, मार्क सेकंड निकल कर आया। मार्क सेकंड हमारा कितने में बना, 1968 में। उसके बाद फिर एक और आता है मार्क 21। मार्क 21 जो था वो दो चीज़ उसमें, एक US मार्क और एक कैनेडियन मार्क। US मार्क और कैनेडियन मार्क को मिलाकर मार्क 21 बनाया गया था। तो स्टार्ट करते हैं आप किसकी मतलब किस तरीके से फिल करते हैं। तो मार्क 21 को करने से पहले कुछ टैग दिए होंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हो टैग। हाईएस्ट बिन का टैग हमारा क्या है, 020। तो वाइस 082 100 25 245 250 260, ये हमारे क्या है टैग है। इन टैग के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, मार्क कैटलॉगिंग करनी होती है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। करने एक से जब हम टू कर रहे थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ठीक इसी प्रकार से मार्क 21 की कैटलॉगिंग करने के लिए भी क्वेश्चन दिया हुआ है। वही क्वेश्चन को चूज कराया मैंने जिसके मैंने कैटलॉगिंग की थी AECR2 के अकॉर्डिंग। जैसे कि उसका टाइटल था हमारा इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, फिर राइटर था उसका JFC बरियान, फिर उसका सेकेंड एडिशन आया था, फिर इसके जो पब्लिशर प्लेस था वो था बोकार एशियन एफएल, और जो पब्लिशर हमारा टेयर एंड फ्रांसिस ग्रुप 2013। और फिर कुछ अदर डिटेल्स में दी थी। अदर डिटेल्स में क्या था, कॉल नंबर दिया गया था, एक्सेशन नंबर दिया गया था, पेज नंबर दिए गए थे, उसके बाद साइज दिया गया था, ISBN नंबर दिया गया था। तो अब इसी डाटा को हमें मार्क 21 में फिल करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टैग होगा वो हमारा ISBN नंबर का होगा। ISBN का टैग हमारा क्या है, 02 दिया। फिर हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या आएगा, ISBN नंबर आएगा। फिर इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर में क्या आएगा, हैज आएगा। हैज और या हैज लगा सकते हो या आप डैश लगा सकते हो। हैज और डैश का मतलब होता है कि ये डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड कैरेक्टर को ये शो करता है। उसके बाद सब फील्ड में $ आएगा, फिर ए आएगा और फिर डाटा। तो ISBN नंबर हमें फिल करना था तो हमने ISBN नंबर यहाँ फिल कर दिया। अब ये ISBN नंबर कहाँ था, तो ISBN नंबर आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ था, तो हमने ISBN नंबर को उठाया और यहाँ पर हमने पुट कर दिया। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो कोहा सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें टैग पहले से ही बने होते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से बनी होती है, बस हमें डाटा उसमें पुट करना होता है। तो उसके बाद शुरू करते हैं 082, ये क्या है, ये कॉल नंबर है। तो कॉल नंबर का इंडिकेटर क्या होता है, 00 होता है, और इसका सब फील्ड क्या होगा, $A
अब ये हमने कॉल नंबर यहाँ फिल करा, तो कॉल नंबर हमने कहाँ से लिया, कॉल नंबर हमने यहाँ से लिया। उसके बाद हम फिल करते हैं 100, 100 क्या है हमारी, ये हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी मेन एंट्री आएगी, मेन एंट्री यानी वन और हैज। अब इसमें डॉलर ए है जिसमें हमने बताया, क्या बताया, जिसमें हमने ऑथर का नाम लिखा, फिर डॉलर ई है, फिर हमने क्या बताया, ऑथर बताया। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है कि आपको यहाँ पर वन कैसा है, तो वन इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऑथर का नाम क्या करा हमने, रिवर्स में करा है, यानी उसका सरनेम पहले लिखा और फोरनेम उसका बाद में लिखा। उसके बाद आता है 2, 4, 5 यानी टाइटल एंट्री। टाइटल एंट्री में भी क्या है, 1, 0 इसमें डॉलर ए है, हमने फिर टाइटल बनाया इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस। इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज है, यहाँ पर मैंने स्लैश लगाया तो स्लैश लगाना ना भूले इसमें। और यहाँ पर 1, 0 कैसे आया, तो इसको समझने के लिए, तो इसमें फर्स्ट इंडिकेटर हमारा 1 है और सेकंड इंडिकेटर हमारा 0 है। तो यहाँ पर 0 से लेके मैं 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या लिख सकता था, लेकिन ऐसे ही कोई भी 9 तक संख्या नहीं लिखी जा सकती, इसका भी एक फॉर्मेट है। अब कैसे फॉर्मेट है, यहाँ मैं 1 भी लिख सकता था, 2 भी लिख सकता था, 3 भी लिख सकता था। तो 0 क्या है, यहाँ पर अभी नॉन फिलिंग कैरेक्टर को शो करता है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक मैं कब फिल कर सकता था वो डाटा। यदि मेरा टाइटल जो है वो ए से शुरू होता या दा से शुरू होता या एन से शुरू होता या विच व्हाट इस तरीके से शुरू होता, तो उसका मैं क्या करता, अगर सपोजिट मान लो कि मेरा है दा से है, द इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, तो जैसे हमने क्या करा, दा लगाया था हमने, दा फिर स्पेस लगाएंगे जाहिर सी बात है, फिर अपना टॉपिक लिखेंगे। तो सेकेंड इंडिकेटर को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस अल्फाबेटिकल को गिनेंगे 1, 2, 3 और फिर एक स्लैश को भी जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब मैं 0 की जगह क्या लगाता, फिर मैं अपना 4 लगा देता। अब सपोज इट मान लो कि मेरा टॉपिक होता ए से, कि ए इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर साइंस, तो मैं यहाँ क्या लगाता सेकेंड इंडिकेटर में, तो मैं क्या लगाता, अगर ए है तो फिर मैं इसकी जगह ए लिखता, फिर स्पेस लिखता, फिर कितना हो जाता 1, 2, तो फिर मैं यहाँ लगाता 2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट इंडिकेटर की, तो फर्स्ट इंडिकेटर को हमने एक इसलिए लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पर मैं 1 और 0 दोनों में से कुछ भी लगा सकता था। 0 सिर्फ ओनली मेन एंट्री के लगाया जाता है, और 1 हम अगर हमने एडिट एंट्री करी है तो उसके लिए हम 1 लगाते हैं। अगर मैंने कोई भी एडिट एंट्री नहीं करी होती, सिर्फ मेन एंट्री करी होती, तो मैं यहाँ पर 0 लगाता, डॉलर सी लगाया और बाय करके जेफ बरियानी, यहाँ पर एकदम पूरा सही तरीके से, तो उसका पूरा पहले नाम आया, फिर उसका सरनेम आया, लेकिन यहाँ पर सरनेम पहले आया था और उसका फोरनेम बाद में आया था। उसके बाद तो 2 अब है हमारा टैग नंबर 250। 250 में एडिशन है क्योंकि इसमें एक एडिशन भी दे रखा था, फिर एडिशन के लिए हमने इंडिकेटर लगाया, मतलब नॉन डिफाइंड है ये। फिर उसके बाद डॉलर ए सेकेंड एडिशन लिखा, फिर उसके बाद में 260 पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के बाद फिर हमने इंडिकेटर क्या लगाया, डबल हेज, मतलब डबल हेज लगाया। फिर उसके बाद पब्लिकेशन को पब्लिकेशन प्लेस लिखना है, एस डॉलर पब्लिकेशन प्लेस हमारा इसमें दे रखा है, हमने यहाँ फिल कर दिया। फिर उसके बाद एस बी लिखना है, पब्लिशर, पब्लिशर का नाम। फिर उसके बाद एस डॉलर सी लिखना है, तो हम फिल कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 300 जो है वो फिजिकल एक्सप्रेशन को शो करता है। उसके बाद इंडिकेटर में हेज लिखना है, हेज में हमारा सफिल हमारा एस ए है, डॉलर एस ए, तो उसके बाद हमने ये पेज नंबर लिख दी यहाँ पर। फिर उसके बाद एस सी है, तो डॉलर सी या एस सी, तो वो 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारा है एको टैग 650, ये सब्जेक्ट हेडिंग को शो करता है। फिर हैज 0 लगाया, फिर एस ए, यहाँ पर हमने याद होगा कि हमने कैटलॉगिंग जब हमने की थी ACR2 की, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट हेडिंग की भी बनाई थी, इसलिए मैंने सब्जेक्ट हेडिंग की भी बना दी है। फिर उसके बाद हैगा 900, वो एक्सेसन नंबर है, एक्सेसन नंबर हमने इसमें से ले लिया, तो डबल हैज डॉलर ए और एक्सेसन नंबर लिख दिया। तो ये हमने पूरा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल कर दिया, हमने अपना टाइटल भी फिल कर दिया, टाइटल हमारा ये रहा 245, हमने ऑथर को भी फिल कर दिया ये रहा, हमने सेकंड एडिशन को भी फिल कर दिया ये रहा,
हमने पब्लिकेशन प्लेस को भी फिल कर दिया, पब्लिकेशन प्लेस हमारा ये रहा, उसके लिए टैग ये रहा, ठीक है। हमने पब्लिशर का नाम भी फिक्स कर दिया ये रहा, और कब पब्लिश हुई ये भी हमने फिक्स कर दिया। तो इतना हमने डाटा पुट कर दिया। नीचे वाले जैसे कॉल नंबर भी हमने क्या करा, पुट कर दिया ये रहा। तो कॉल नंबर का टैग क्या है, 082 है, फिर कॉल नंबर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो इंडिकेटर लिखना है 00, फिर सब फील्ड लिखना है, फिर उसके बाद वो फिल कर देना। एक्सेप्शन नंबर को भी हमने फिल कर दिया, पेज नंबर को भी हमने फिल कर दिया, ये सारे टैग आपको याद रखने हैं। साइज भी हमने फिल किया, एसबी नंबर याद रख लिया। एक चीज, हमारा जो टैग जाएगा वो इस रो इस तरीके से जाएगा, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे फिर उससे फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरीके से आपको लिखना है। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने MAP21 के पूरे कोड शो कर रखे हैं, आप जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।